अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 2022 के सभी प्रोविंशियल एमडीकेट का लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो सबसे पहले हम यूएसएस एमडीकेट का लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन सॉल्व करेंगे, देन ईटीए एमडीकेट का और फिर सिंध एमडीकेट का। हर प्रोविंशियल एमडीकेट में पीएमडीसी सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीकों से एमसीक्यूज दिए गए हैं लॉजिकल रीजनिंग के, और हम उन तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे और ये भी सीखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है, और उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो सब प्रोविंशियल एमडीकेट के लॉजिकल रीजनिंग के पोर्शन को सॉल्व करवाने का मकसद यही है कि जब आप डिफरेंट टाइप्स सब एमसीक्यूज का सॉल्यूशन देखें तो आपको हर लिहाज से आइडिया आ जाए और हर टाइप के एमसीक्यूज के लिए आपका माइंड प्रिपेयर रहे, ताकि किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए आप इजीली उसको कर लें एंड आपके 6 out of 6 क्वेश्चन सही हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यूएसएस एमडीकेट के लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमें कह रहा है कि रीड द पैसेज एंड फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बिलो, कह रहा है कि ये जो पैसेज है और उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अच्छे से पढ़ें। Then choose the correct option basing your answer only on the information provided, कह रहा है कि उसके बाद आप क्या करें, जो आंसर बताएं ना वो आप जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ऊपर, ये जो पैसेज है इसमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसी के बेस पे अपना आंसर दें। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास किसका क्वेश्चन है, ये हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और इसके अंदर हमारे पास क्या है, इसके अंदर एक पैसेज गिवन है और उस पैसेज के नीचे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट्स हैं। हमें क्या बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं इस पैसेज के बेस पर करेक्ट हैं या फिर नहीं है, करेक्ट हैं या इनकरेक्ट हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। तो ये जो हम बताएंगे किसके बेस पे बताएंगे, प्योरली इस पैसेज के बेस पे हमें बताना है। देखिए हमारे पास पैसेज के अंदर क्या कह रहा है, उसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे हमने इन स्टेटमेंट को करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। तो सबसे पहले जो पैसेज है उसको हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्वीन एलिजाबेथ टूस प्लेटिनियम जुबली सेलिब्रेटिंग हर 70 ईयर्स ऑन द ब्रिटिश थ्रोन वाज अबव ऑल अ ट्रिब्यूट टू वन ऑफ द हिस्ट्रीज ग्रेट एक्ट्स ऑफ कंसिस्टेंसी। अब तो यहाँ पे कह रहा है कि जो क्वीन एलिजाबेथ है उनकी जो प्लेटिनियम जुबली थी, जो कि ब्रिटिश रूलर की जो सीट है उस पर उनके 70 साल पूरे होने को सेलिब्रेट कर रही थी, तो ये एक्चुअली जो प्लेटिनियम जुबली थी उनकी ये एक्चुअली ट्रिब्यूट था कि हिस्ट्री में ये जो अनचेंजिंग कितनी बड़ी चीज़ रही है, मतलब 70 साल तक एक हुकूमत है, अनचेंजिंग हुकूमत रही है, उसके लिए एक बड़ा ट्रिब्यूट था। हर रीन स्पेंड विचुअली द एंटायर पोस्ट वर्ल्ड वार टू एरा, कह रहा है कि उनकी जो हुकूमत थी वो वर्ल्ड वार टू के बाद पूरा जो एरा है, पूरा जो दौर है उसमें रही वो हुकूमत, मेकिंग हर अ विटनेस टू कल्चरल अप हेवल्स फ्राम द बीटल्स टू द ब्रेक्सिट, कह रहा है कि जो वो वर्ल्ड वार टू के बाद पूरा जो एरा था उसमें उसकी हुकूमत रही और उन्होंने हर एक चीज़ देखी अपनी लाइफ में, कल्चरल जो अप हेवल्स थे, अपेवल्स का मतलब है कल्चरल जितनी भी उतार चढ़ाव आए फ्रॉम बीटल्स टू द ब्रेक्सिट। ये हमारे पास बीटल्स और ब्रेक्सिट क्या है, ये पास की चीज़ें हैं जो कि इन्होंने सारी देखी, बीटल्स से लेके ब्रेक्सिट तक इन्होंने हर एक चीज़ देखी। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट्स क्या हैं, देयर हैज़ बीन अनदर क्वीन ऑफ द ब्रिटिश थ्रोन नेम्ड एलिजाबेथ बिफोर हर, और कह रहा है कि ब्रिटिश जो हुकूमत थी उसकी एक और भी क्वीन रह चुकी थी जिनका नाम एलिजाबेथ था इनसे पहले। तो हाँ ये चीज़ इसको हम इसके बेस पे करेक्ट कहेंगे या इनकरेक्ट, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है क्वीन एलिजाबेथ टू, तो सीधी सी बात है ये टू है तो वन तो कोई ना कोई होगी, तो उसका मतलब कि ये हमारे पास स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद कह रहा है ब्रेक्सिट इज़ ए नॉर्मल ऑकरेंस, कह रहा है कि ब्रेक्सिट जो है ये नॉर्मल ऑकरेंस है, तो देखिए ब्रेक्सिट कोई नॉर्मल ऑकरेंस नहीं है, कि यहाँ पे आपको अगर ब्रेक्सिट का मतलब नहीं भी पता तो भी यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन्होंने हर एक चीज़ को विटनेस किया, मतलब कि हर एक चीज़ इन्होंने जो वर्ल्ड वार टू के बाद वाला एरा था उसमें हर एक चीज़ इन्होंने देखी, जिसमें इन्होंने क्या देखा, बीटल्स से रह के ब्रेक्सिट तक हर एक चीज़ देखी, तो ब्रेक्सिट उसी टाइम पे वो चीज़ हुई थी, कोई कॉमन चीज़ नहीं है। और इसका मतलब क्या है कि जो यूएसए था, जो यूके था, वो जब अलग हुआ था किससे, यूरोपियन यूनियन से, उसको हम कहते हैं ब्रेक्सिट। तो ये जो चीज़ है ये नॉर्मल ऑकरेंस नहीं है, ये स्पेशल एक ऑकरेंस थी जो कि उस दौर में हुई थी। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट जो है इसके बेस पर क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद कह रहा है एलिजाबेथ वाज क्वीन ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वार टू, तो ये जो हमारे पास वर्ल्ड वार टू के दौरान जो ब्रिटिश क्वीन थी वो एलिजाबेथ थी, देखें एलिजाबेथ नहीं थी, एलिजाबेथ टू थी, एलिजाबेथ ये खाली एलिजाबेथ की बात कर रहा है, एलिजाबेथ वन की बात कर रहा है, पर वो जो थी क्वीन उस टाइम पे वो एलिजाबेथ टू थी जिसकी ऊपर बात कर रहा है, तो ये भी इस पैसेज के बेस पे इनकरेक्ट है। तो उसका मतलब जो स्टेटमेंट इस पैसेज के अंदर इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे करेक्ट है वो स्टेटमेंट नंबर वन है, तो उसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी कि ओनली वन इज़ करेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जर्व द पैटर्न एंड सेलेक्ट द नेक्स्ट राइट टर्म इन द सीक्वेंस, कह रहा है कि जो पैटर्न है इसके अंदर फॉलो हो रहा है, ये जो लेटर्स की सीक्वेंस है इसके अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आप पहचानें और बताएं कि इस सीक्वेंस में नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा, मतलब ये जो टर्म्स हैं डिफरेंट इनके बाद अब नेक्स्ट कौन सा आएगा इस सीक्वेंस में। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं, ये हमारे पास लेटर सीरीज का एक क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमने पैटर्न पहचानना होता है कि किस पैटर्न के अंदर ये सीरीज आगे बढ़ रही है, कौन से पैटर्न में ये सारे लेटर्स लिखे गए,
तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो लेटर्स लिखे गए हैं तीन के ग्रुप्स के अंदर लिखे गए हैं, मतलब कि तीन का एक ग्रुप, उसके बाद तीन का दूसरा ग्रुप, उसके बाद तीन का तीसरा ग्रुप। तो इस तरीके से तीन के ग्रुप का पैटर्न है, तीन का एक ग्रुप है, उसके बाद तीन का दूसरा ग्रुप है, उसके बाद तीन का तीसरा ग्रुप, अब हमें बता रहा है चौथा तीन का कौन सा ग्रुप आएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ये जो तीन का तीन लेटर्स ग्रुप्स के अंदर जो बीच वाला लेटर है वो ए है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा उसके अंदर भी ए होगा। पैटर्न यही फॉलो हो रहा है कि मिडिल वाला जो लेटर है इनके अंदर वो सेम है, तो उसका मतलब कि यहाँ पे हम आगे जो लिखेंगे ट्रम जो हमें बताना है उसके अंदर भी बीच वाला जो होगा लेटर वो कौन सा होगा, ए होगा। तो ये तो हमें पता चल गया। अब हमें पता करना है फर्स्ट कौन सा होगा और लास्ट कौन सा होगा उसके अंदर। तो देखिए हमारे पास एक दूसरी चीज़ भी जहन में रखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारे पास फर्स्ट लेटर है और जो थर्ड लेटर है इनका, मतलब ये जो ग्रुप है इसका फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर, उनमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि फर्स्ट लेटर से जो थर्ड लेटर है वो एक लेटर पीछे है। जैसे यहाँ पे सी से बी है, यहाँ से एफ से ई है, मतलब एक लेटर कम है, एक लेटर क्या है पीछे है। जैसे यहाँ पे आई से एच है, मतलब लेटर है उससे एक लेटर पीछे है थर्ड लेटर, मतलब कि उससे एक लेटर, उससे पीछे वाला एक लेटर लिखा हुआ है एस थर्ड लेटर। तो उसका मतलब कि यहाँ पे जो लेटर हमारे पास आएगा फर्स्ट लेटर, जो थर्ड लेटर होगा उससे वो एक लेटर पीछे वाला होगा। तो ये भी चीज़ पता चल गई। अब हमें देखना है कि कौन से वो लेटर्स होंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट लेटर सी है, उसके बाद दूसरे में एफ है, उसके बाद आई है, मतलब पहले सी से एफ हुआ, मतलब डी और ई दो लेटर्स का गैप आया, उसके बाद एफ से जब आई हुआ तो जी एच का गैप आया, मतलब फिर से दो लेटर्स का गैप आया। अब आई से हम जो नेक्स्ट लिखेंगे तीन वाला ग्रुप लिखेंगे उसमें जो हमारे पास फर्स्ट लेटर आएगा फिर से आई के बाद दो लेटर्स का गैप होगा, मतलब आई के बाद जे और के का गैप होगा, और जे और के का गैप होगा उसके बाद कौन सा लेटर आएगा, एल आएगा। तो उसका मतलब यहाँ पे एल होगा और एल होगा, और उसके बाद हमें पता है कि जो थर्ड लेटर है वो इससे एक लेटर पीछे वाला होगा, तो एल से पीछे वाला कौन सा है, के है, तो उसका मतलब यहाँ पे के आएगा। तो उसका मतलब एल ए के, ये इसका करेक्ट आंसर होगा बी। उसके बाद कह रहा है रीड द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट आंसर। ड्रेक वॉज बियरिंग अ ब्लू शर्ट विथ ब्लैक जीन्स एंड ब्राउन शूज। जॉन वॉज बियरिंग अ रेड शर्ट विथ ब्लैक जीन्स एंड ब्लैक शूज। अहमद वॉज बियरिंग अ ब्लू शर्ट विथ ब्लू जीन्स एंड ब्राउन शूज। नहास क्लेम्स ही सॉ समवन वियरिंग ब्लैक जीन्स द ब्लू आर रेड शर्ट एंड शूज दैट वर नॉट ब्लैक। हु डिड ही सी। तो यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज गिवन है। अब इसके अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है पूरी पजल्ड फॉर्म के अंदर दी गई है। अब इसके बेस पे हमारे पास ये जो क्वेश्चन है उसका हमने आंसर करना है कि जो नहास है उसने किसको देखा था ब्लैक जीन्स में और ब्लू या रेड शर्ट था उसका, पर शूज़ उसके ब्लैक नहीं थे, तो वो कौन था, वो हमें आंसर देना है इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे देना है। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है किसका है, ये हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रहा है उसका हमने जो है उसका जो नतीजा है उसका जो हमें रिजल्ट है उसका जो आंसर है वो हम डिड्यूस करेंगे किससे, इसी पैसेज के अंदर से, इसी इन्फॉर्मेशन से। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या कह रहा है कि जो न्यास है वो हमारे पास उसने देखा है किसी को जिसकी ब्लैक जीन्स है, ब्लू या रेड शर्ट है और शूज़ वो है जो कि ब्लैक नहीं है, तो वो वाला कौन सा है बंदा, तो वो ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन है उससे हम पता लगाते हैं। देखिए ये जो है हमारे पास ड्रेक है उसका ब्लू शर्ट है और ब्लैक जीन्स है, ठीक है, और ब्राउन शूज़ है, और जॉन है उसका रेड शर्ट है और ब्लैक जीन्स है। तो यहाँ पे ब्लैक जीन्स का कह रहा है कि एक तो उसकी ब्लैक जीन्स थी और ब्लू या रेड शर्ट था, तो दोनों का हमारे पास क्या, एक का ब्लू शर्ट है और दूसरे का हमारे पास रेड शर्ट है, दोनों की ब्लैक जीन्स भी है ड्रेक की और जॉन की, तो उसका मतलब कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक कि ब्लैक जीन्स है और ब्लू आर रेड शर्ट, तो उस हिसाब से दोनों हैं, ड्रेक भी है जॉन भी है, दोनों इसमें आ गए। उसके बाद कह रहा है कि बट उसके जो शूज़ थे वो ब्लैक नहीं थे, यहाँ पे देखें क्लियर नहीं बता रहा शूज़ का कलर, पर कह रहा है ब्लैक नहीं थे। तो ये जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उन वाले दो बंदे जॉन और ड्रेक, अब उसमें तीसरी जो बात कर रहा है कि शूज़ की के वो ब्लैक नहीं है, तो शूज़ जो जॉन के हैं ब्लैक हैं, उसका मतलब कि जॉन तो इस लिस्ट से आउट हो गया। बाकी कौन सा बचा, वो हमारे पास है ड्रेक, हालांकि उसके ब्राउन शूज़ है वो क्लियरली नहीं बता रहा, बट हाँ जितने दूसरी चीज़ें बता रहा है उस हिसाब से ये दो बंदे हो रहे थे। अब जो दूसरा बंदा था वो आउट हो गया क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ब्लैक शूज़ नहीं है उसके, तो मतलब जॉन है वो तो आउट हो गया। बाकी कौन सा बचा, बाकी ड्रेक बचा, तो उसका करेक्ट आंसर है ड्रेक, ऑप्शन सी। उसके बाद कह रहा है सम बैग्स आर पाउचेस, ऑल पाउचेस आर केसेस, नो केसेस आर पर्सेस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन आर नेसेसरली ट्रू। तो ये भी हमारे पास जो क्वेश्चन है ये भी हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, ये हमारे पास एक्चुअली पजल्स ही होते हैं, इनके अंदर हमारे पास ये कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, नीचे कुछ कंक्लूजन दिए होते हैं जिनको हमें बताना होता है कि इसके बेस पे वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कौन से करेक्ट होंगे, कौन से नेसेसरी ट्रू होंगे। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है सम बैग्स आर पाउचेस, कुछ बैग्स हैं वो पाउचेस हैं और जितने भी हमारे पास पाउचेस हैं वो सारे केसेस हैं, कुछ बैग्स पाउचेस हैं और जितने भी पाउचेस हैं वो केसेस हैं, कोई भी केस पर्स नहीं है,
तो हमें कंक्लूजन बताना है कौन सा सही है। यह कह रहा है सम पाउचेज आर पर्सेस, कह रहा है कि कुछ पाउच हमारे पास पर्सेस हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि जितने भी पाउच हैं वो सारे केस हैं, सारे पाउचेस केस हैं, और कोई भी केस हमारे पास पर्स है ही नहीं। जब सारे पाउच हमारे पास केस हैं, मतलब जितने भी पाउच हैं वो हमारे पास केस हैं पर कोई केस पर्स है ही नहीं, तो उसका मतलब कि जो पाउच हैं वो पर्स नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास जितने भी पाउच हैं वो सारे केस हैं, और केस का तो बोल रहा है कि वो पर्स नहीं है, कोई भी केस पर्स नहीं है, तो मतलब कि जो हमारे पास पाउचेस केसेस हैं वो पर्स तो नहीं होंगे। तो उसका मतलब कि सम पाउचेस आर पर्सेस, ये हमारे पास चीज़ गलत है, ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है। उसके बाद कह रहा है सम बैग्स आर केसेस, कि कुछ बैग्स हमारे पास केसेस हैं। अब ये भी हम चेक करते हैं इसके बेस पे, तो बैग्स की बात कर रहा है। देखें बैग्स के हवाले से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि कुछ बैग्स हमारे पास पाउचेस हैं। यहाँ पे कह रहा है कि सम बैग्स आर केसेस, देखते हैं वाकई ये सही हो रहा है या नहीं। सम बैग्स आर पाउचेस, कुछ बैग्स हमारे पास पाउच हैं, जितने भी पाउच हैं वो हमारे पास केस हैं। जब जितने भी पाउच हैं हमारे पास वो केस हैं, उसका मतलब कि कुछ बैग्स जो पाउचेस हैं, और पाउच तो सारे केस होते हैं, तो उसका मतलब कि कुछ बैग्स जो पाउच हैं वो हमारे पास केसेस होंगी। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास करेक्ट है कि सम बैग्स आर केसेस, क्योंकि कुछ बैग्स हमारे पास जो पाउच हैं वो केसेस होंगी, क्योंकि सारे पाउच वैसे ही केसेस हैं। तो उसका मतलब ये चीज़ करेक्ट है यहाँ पे, दूसरा करेक्ट है। उसके बाद तीसरा है नो बैग्स आर पर्सेस, कि कोई बैग पर्स नहीं है। तो देखिए हमारे पास बैग के हवाले से क्या कह रहा है, कि कुछ बैग्स पाउचेस हैं और जितने भी पाउच हैं वो केसेस हैं, और कोई भी केस पर्स नहीं है। जब हमारे पास जो कुछ बैग्स जो पाउच हैं वो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कुछ बैग्स जो पाउच हैं वो, क्योंकि सारे पाउच केसेस हैं तो वो कुछ जो बैग्स हमारे पास पाउच हैं वो केसेस हैं। अब जो कुछ बैग्स हमारे पास केसेस हैं वो हमारे पास पर्स नहीं होंगी, क्योंकि हमारे पास कोई भी केस पर्स नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास ये तो चीज़ पता चल गई कि कुछ बैग्स जो पाउच थी ना, और क्योंकि सारे पाउच केसेस थे तो हमने कहा कि कुछ बैग्स जो पाउच हैं वो हमारे पास केसेस हैं, और जो हमारे पास कुछ बैग्स केसेस थी वो हमारे पास पर्स तो नहीं हो सकती। वही बात है, क्योंकि कोई केस पर्स नहीं होता। बट हाँ, कुछ बैग्स जो कि पाउच थी वो हमारे पास पर्स नहीं होंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बैग हमारे पास पर्स नहीं है। ये तो चीज़ हम इससे ये कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते, उसका मतलब ये कंक्लूजन इनकरेक्ट है। तो उसका मतलब कि ये भी हमारे पास क्या है, कंक्लूजन इनकरेक्ट है। उसका मतलब कि जो नेसेसरली ट्रू या करेक्ट है हमारे पास कंक्लूजन, वो सिर्फ टू वाला है। तो उसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर सी होगा। उसके बाद हमें कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अज्यूमिंग एवरीथिंग इन इट टू बी ट्रू, देन डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली फॉलो एंड आर वर्थ पर्सुइंग। कह रहा है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं ये सारी आप पढ़ें और इनको माने कि ट्रू है, क्योंकि हमारे पास ये जो कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें जो स्टेटमेंट होती है ना उसको हम ट्रू मानते हैं, तभी हम उससे रिलेटेड कोर्स ऑफ एक्शन को ही बताएंगे। जब उसी चीज़ को हम सही मानेंगे तभी उससे रिलेटेड कोई फैसला करेंगे ना, हम मानेंगे कि वो सही है। तो वही कह रहा है कि उसको आप सही तस्वर करें जो स्टेटमेंट्स हैं, और फिर हमें बताएं कि कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन लॉजिकली सही रहेगा, जिसको वाकई करना चाहिए, मतलब कि वो एक्शन वाकई लेना चाहिए। तो देखिए हमारे पास जो कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें क्या होता है कि स्टेटमेंट्स गिवन होती हैं, अब उस स्टेटमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम या कोई इशू होता है वो एक्सप्लेन्ड होता है, अब उससे रिलेटेड डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन हमें दिए होते हैं, हमें बताना होता है कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन सही है जो कि वाकई लेना चाहिए, जिससे ये हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास मिनिमाइज़ होगा या कम होगा या ख़त्म हो जाएगा, तो वो हमें बताना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टेटमेंट्स है वो क्या है कि आलिया वॉन्ट्स टू स्लीप बट कैन नॉट ड्यू टू रेगुलर नॉइस इन एंड अराउंड हर हाउस एवरी डे। कह रहा है कि जो आलिया है वो सोना चाहती है बट वो सो नहीं पाती, क्योंकि उसके जो घर है उसके अंदर और उसके बाहर क्या है, रेगुलर नॉइस है, मतलब हमेशा उसके बाहर घर के बाहर और अंदर क्या रहता है, नॉइस रहता है, शोर रहता है, इसी वजह से वो सो नहीं पाती, और वो सोना चाहती है पर सो नहीं पाती इसी शोर की वजह से। तो अब इसके लिए उसको क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहिए, पहले में कह रहा है कि इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइस ब्लॉकर्स इन टू हर ईयर्स, कि वो अपने जो कान है उनमें जो नॉइस ब्लॉकर्स यूज़ करें, मतलब कि अच्छी क्वालिटी के जो नॉइस ब्लॉकर्स हैं वो डाले कानों के अंदर, ताकि उसके कानों में नॉइस ना जाए। दूसरे में कह रहा है टेक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स, के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली स्लीपिंग पिल्स, मतलब कि सोने वाली जो मेडिसिन है वो ले। तो ये दो कोर्स ऑफ एक्शन है, हमें बताना है कि कौन सा सही रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कोर्स ऑफ एक्शन हमेशा सही वही रहता है जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो या मिनिमाइज हो या फुली ख़त्म हो जाए प्रॉब्लम या कुछ हद तक कम हो, और दूसरा ये होना चाहिए कि उस वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी हो कोर्स ऑफ एक्शन हो, तीसरा ये होना चाहिए उससे कोई दूसरा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो देखिए इन क्राइटेरियाज़ पे जो कोर्स ऑफ एक्शन उतर रहा है वो हमारे पास सही होगा लेना यहाँ पे, मतलब वो वर्थ परस्यूइंग है, उसको लेना चाहिए। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि इंसर्ट गुड क्वालिटी नॉइस ब्लॉकर्स इन टू हर ईयर्स, मतलब उसको अपने कानों में अच्छी क्वालिटी के क्या डालने चाहिए, नॉइस ब्लॉकर्स डालने चाहिए। तो सीधी सी बात है, ये जो नॉइस ब्लॉकर्स कानों में डालेगी तो उससे ये मसला हल हो जाएगा, इसको जो शोर आ रहा है वो नहीं आएगा और आराम से वो सो जाएगी। तो ये इससे इसका मसला हल हो रहा है, ये जो हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर प्रॉब्लम डिस्कस है, इशू डिस्कस है, वो इससे सॉल्व हो रहा है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है और इससे कोई दूसरा नुकसान भी नहीं है।
तो ये कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल दिस कोर्स ऑफ एक्शन फॉलोज, मतलब ये लेना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है टेक स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स, के स्लीपिंग पिल्स लेनी चाहिए। तो देखिए स्लीपिंग पिल्स लेने से इसको भले नींद आ जाए पर उससे दूसरे मसले होंगे, तो ऐसा हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन जो एग्रेसिव हो जिससे दूसरे मसले प्रोड्यूस हो वो हमारे पास अप्रोप्रिएट नहीं होता। तो उसका मतलब कि ये हमारे पास सही नहीं है, क्योंकि इससे जो प्रॉब्लम हम उसका भले वो नींद वाला सॉल्व हो जाए, भले शोर हो वो बहुत ज़्यादा सो रही होगी, पर वो उससे दूसरे नुकसान होंगे स्लीपिंग पिल लेने से। बगैर किसी बात पे स्लीपिंग पिल लेगी तो उसको नुकसान होंगे, तो उसका मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है। तो उसका मतलब सही है जो ओनली वन है, तो उसका करेक्ट आंसर है ओनली वन, ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, वन है हमारे पास। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 200 है, इसमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है। ये कॉज एंड इफेक्ट वाला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, इसके अंदर दो स्टेटमेंट्स हमें गिवन है हमें, तो इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, एक हमारे पास कॉज हो दूसरा इफेक्ट हो उसका, या ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दोनों इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हों, या हो सकता है ये दोनों हमारे पास इफेक्ट्स हों, तो डिफरेंट इसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। अब हमें बताना है कि कॉज और इफेक्ट के लिहाज से ये क्या है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो स्टेटमेंट वन है वो क्या है कि लिटरेसी रेट जो है डिस्ट्रिक्ट में वो बढ़ रहा है, और दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ कंडक्टेड एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द वर्कर्स इन्वॉल्व इन द लिटरेसी ड्राइव, कि जो लिटरेसी ड्राइव है उसके अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे ट्रेनिंग प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन ने कंडक्ट करवाया। तो देखिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है कि आप देखें सबसे पहले कि हमारे पास ये जो चीज़ बताई गई है ना यहाँ पे स्टेटमेंट्स के अंदर, तो देखिए क्या ये आपस में स्टेटमेंट रिलेटेड है। अगर ये आपस में रिलेटेड है तो एक कॉज होगा दूसरा उसका इफेक्ट होगा, अगर रिलेटेड नहीं है फिर हम देखेंगे क्या वो इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं या क्या वो इफेक्ट्स हैं, फिर वो ये चीज़ हम चेक करेंगे। पर सर तो सबसे पहले हमें इन क्वेश्चंस के अंदर ये चेक करना होता है कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट्स कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं या नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है क्या इनका आपस में कॉज एंड इफेक्ट वाला ताल्लुक है, मतलब एक कॉज और दूसरा इफेक्ट। तो देखिए हमारे पास ये कब कैसे पता चलता है, जब एक स्टेटमेंट की वजह से दूसरी स्टेटमेंट हो रही हो, मतलब एक स्टेटमेंट में जो चीज़ है उसकी वजह से दूसरी स्टेटमेंट में जो चीज़ है वो हो रही हो, तो हम कहेंगे ये आपस में कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड है, एक कॉज है दूसरा इफेक्ट है, तो जो वजह होती है उसको हम कॉज कहते हैं और उसके नतीजे में जो चीज़ हो रही होती है उसको इफेक्ट कहते हैं। तो क्या इनका आपस में ये ताल्लुक है, तो सबसे पहले हमें वो चेक करना है, अगर है तो एक कॉज होगा दूसरा इफेक्ट, अगर नहीं है तो फिर हम दूसरी चीज़ें चेक करेंगे क्या ये दोनों कॉजेज हैं या दोनों इफेक्ट्स हैं, फिर वो चीज़ों पे हम आएंगे। पर सबसे पहले हमें ये चेक करना है क्या कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास तो लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, पहली स्टेटमेंट में ये कह रहा है, दूसरी में कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ा प्रोग्राम लिटरेसी ड्राइव के वर्कर्स ने उनके लिए बहुत बड़ा ट्रेनिंग का प्रोग्राम अरेंज करवाया था, तो क्या इनका कोई ताल्लुक है। तो देखिए ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं दोनों आपस में कॉज एंड इफेक्ट के लिहाज से रिलेटेड है। देखिए कॉज क्या होता है, कॉज हमारे पास वो होता है जो वजह होती है, मतलब जो वजह होती है जिसकी वजह से दूसरी चीज़ हो रही होती है उसको हम कहते हैं कॉज, और जो उसके नतीजे में चीज़ हो रही होती है उसको हम कहते हैं इफेक्ट, मतलब कि जो वजह होती है उसको कॉज कहते हैं और उसकी वजह से जो नतीजा निकलता है उसको हम इफेक्ट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो वजह है या कॉज है वो दूसरी स्टेटमेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसने बड़ी लेवल पे ट्रेनिंग करवाई थी जो वर्कर्स हैं लिटरेसी ड्राइव के अंदर इन्वॉल्व हैं उनकी, तो इसीलिए तो लिटरेसी जो रेट है वो इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि जो लिटरेसी ड्राइव हो रही है लिटरेसी के लिए जो ड्राइव कर रहे हैं जो लिटरेसी के लिए कैंपेन चला रहे हैं उसके अंदर जो वर्कर्स इन्वॉल्व हैं उनकी इतनी अच्छी उन्होंने ट्रेनिंग करवाई, बड़ी लेवल पे उनकी ट्रेनिंग का प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाए, सीधी सी बात है वो क्या हो गए इतने कॉम्पिटेंट हो गए, इतना उन्होंने अच्छा काम किया कि जो लिटरेसी रेट है वो अब इंक्रीज़ हो रहा है डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो उसका मतलब कि हमारे पास ये कॉज है स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट वन इफेक्ट है, कि हमारे पास उन्होंने क्या किया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रोग्राम कंडक्ट करवाया ट्रेनिंग का जो वर्कर्स थे लिटरेसी ड्राइव के अंदर लिटरेसी कैंपेन के अंदर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी ट्रेनिंग करवाई, और इसीलिए ही तो लिटरेसी रेट अब डिस्ट्रिक्ट में इंक्रीज़ हो रहा है, कि जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिटरेसी की ड्राइव के लिए लिटरेसी कैंपेन में इतना उन्होंने अच्छा फिर काम किया कि जो अब डिस्ट्रिक्ट है उसका लिटरेसी रेट भी इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसका मतलब ये हमारे पास कॉज है कि ये वजह थी, इसी वजह से ये इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। उसका मतलब कॉज ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रोग्राम कंडक्ट करवाया ट्रेनिंग का ये हमारे पास कॉज है, और इसी की वजह से इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर लिटरेसी रेट अब इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये उसका इफेक्ट है। तो ये हमारे पास कॉज है और स्टेटमेंट वन उसका इफेक्ट है, तो स्टेटमेंट टू इज़ कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज़ इट्स इफेक्ट। उसका मतलब जो ऑप्शन बी है ये इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन था जिसको हमने सॉल्व किया। जो ETA का MDKT है 2022 का, उसके जो पेपर का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है उसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास ये एक पेसिस दिया हुआ है और उसके बेस पे हमारे पास ये तीन क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर यही होता है कि हमारे पास एक पेसिस गिवन होता है और उसके नीचे हमारे पास
कुछ क्वेश्चन दिए होते हैं, पेसेज गिवन होता है और उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, कोई फैक्ट्स होते हैं गिवन। अब वो जो हमारे पास फैक्ट्स गिवन है या इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। तो हमें क्या बताना होता है कि वो जो क्वेश्चंस हैं, वो जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं, वो इस पेसेज के बेस पे क्या है, उनको हमें जज करना है कि वो ट्रू है, मतलब डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, या उनसे रिलेटेड डेटा इनएडिक्वेट है इस पेसेज के अंदर, या फिर वो प्रोबेबली फॉल्स हैं, या फिर वो हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स हैं, वो चीज़ हमें बतानी होती है। मतलब कि उसको सही या गलत के तौर पे हमने जज करना होता है। ये जो क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दी गई है इसको हमने जज करना है इस पेसेज के बेस पे कि वेदर ये सही है या गलत है। तो उसके लिहाज से 5 ऑप्शंस होते हैं, मतलब 5 डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं। एक डेफिनेटली ट्रू होता है, प्रोबेबली ट्रू होता है, डेटा इज इनएडिक्वेट होता है, प्रोबेबली फॉल्स होता है और फॉल्स भी होता है। तो इस तरीके से 5 टाइप के ऑप्शंस होते हैं इससे रिलेटेड। अब देखें, इस पेसेज को पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जो डेफिनेटली ट्रू है वो कब सेलेक्ट किया जाता है। तो जब हमारे पास वो जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस के अंदर ये दी हुई है, तो ये जब स्टेटमेंट जो है हमारे पास, अगर इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ बताई गई है वो इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल 100% करेक्ट है, मतलब कि ये जो हमारे पास यहाँ पे चीज़ गिवन है वो इसके अकॉर्डिंग 100% करेक्ट है, तो फिर हम सिलेक्ट करते हैं डेफिनेटली ट्रू। क्या सिलेक्ट करते हैं हम? डेफिनेटली ट्रू। और प्रोबेबली ट्रू हम तब सिलेक्ट करते हैं कि जब वो हमें लगे कि शायद वो सही है। तो ये जो पैसेज है इसके बेस पे हम उसको 100% करेक्ट नहीं कह सकते, बट हाँ उसके गलत होने के मुकाबले में सही होने का उसका चांस ज़्यादा है, मतलब शायद वो सही हो, तो तब हम सिलेक्ट करते हैं प्रोबेबली ट्रू। और डेटा इनएडिक्वेट तब सिलेक्ट करते हैं जब उससे रिलेटेड कोई डेटा हो ही ना, मतलब कि ये जो चीज़ हमारे पास गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर हमें स्टेटमेंट दी गई है जिसको हमने जज करना है सही या गलत के तौर पे, अगर उससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है पैसेज में, तो हम डेटा इनएडिक्वेट सिलेक्ट करते हैं। और फॉल्स हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास डेफिनेटली फॉल्स है, फॉल्स हुआ है, हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है ना यहाँ पे, वो इस पैसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बिल्कुल इनवर्स हो, मतलब उसके बिल्कुल उल्टा लिखी हुई हो, मतलब यहाँ पे एक चीज़ बता रहा है ये उसके बिल्कुल अपोजिट चीज़ बता रहा है, तो फिर हम उसको रॉन्ग कहते हैं, या मतलब कि हम उसको डेफिनेटली फॉल्स रेट करते हैं। और प्रोबेबली फॉल्स हम तब कहते हैं जब वो 100% इनकरेक्ट नहीं है इसके बेस पे, बट हाँ उसके सही होने का चांस नहीं है, सही होने से गलत होने का चांस उसका ज़्यादा है, तो इसीलिए हम कहते हैं वो प्रोबेबली फॉल्स है, मतलब शायद वो गलत हो, बट हाँ 100% गलत नहीं है, शायद गलत हो, क्योंकि सही होने से उसका गलत होने का चांस ज़्यादा है, तो हम प्रोबेबली फॉल्स सेलेक्ट करते हैं। अब हम सारा ये जो पैसेज है इसको पढ़ के इन क्वेश्चंस को आंसर करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रीड द पैसेज बिलो एंड आंसर क्वेश्चन नंबर 195-197। अब यहाँ पे कह रहा है वाटर रिसोर्सेज ऑफ आवर कंट्री आर वेरी मच अंडर यूटिलाइज। तो सबसे पहले पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो वाटर रिसोर्स है हमारे कंट्री के वो बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज है, मतलब उनका यूज़ बहुत ज़्यादा कम होता है वाटर रिसोर्सेज का। द मेन रीज़न बिहाइंड दिस इज़ द लेक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, के इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी जो है सही है उसकी कमी है। इसके पीछे ये रीज़न है कि कैपिटल और टेक्नोलॉजी का लेक है, मतलब उसकी कमी है। टेक्नोलॉजी का तो आपको पता है, कैपिटल का मतलब होता है सरमाया, मतलब कोई भी काम करना होता है ना तो उसके लिए कुछ जो पैसे वहाँ पे लगाए जाते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो ये हमारे पास कैपिटल का लेक, मतलब कि वो जो पैसे चाहिए उसको करने के लिए काम को, वो भी कम है, मतलब कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो सरमाया है वो भी कम है, और टेक्नोलॉजी की भी कमी है। यही मेन रीज़न है कि जो वाटर रिसोर्स है हमारे कंट्री के उनका इतना ज़्यादा इस्तेमाल सही से नहीं हो रहा। और लास्ट पोर्शन ऑफ आवर वाटर रिसोर्स इज़ वेस्टेड ड्यू टू फ्लूड्स, कह रहे हैं कि जो वाटर रिसोर्स है उनका जो बहुत ज़्यादा पोर्शन है वो फ्लूड्स की वजह से, जो सैलाब है उनकी वजह से वेस्ट हो रहा है। अनवाइज यूज़ ऑफ वाटर फॉर इरीगेशन एंड डेमेस्ट्रिक यूज़, और दूसरा वो वेस्ट इसी वजह से हो रहा है कि जो इरीगेशन है, जो इरीगेशन होती है उसके लिए, मतलब कि जो डिफरेंट फसलों में यूज़ होता है ना, तो उसको हम कहते हैं इरीगेशन। तो उसके लिए जो वाटर को यूज़ किया जाता है या फिर घरों में जो यूज़ किया जाता है वो सही तरीके से यूज़ नहीं किया जाता, अनवाइज यूज़ है उसका, अकलमंदी से यूज़ नहीं किया जाता, वैसे ही वेस्ट किया जाता है। तो एक तो वो रीज़न है और दूसरा जो फ्लूड्स हैं उसकी वजह से वेस्ट हो रहा है। अब हम जो आगे बता रहे हैं कि हम वाटर जो है रिसोर्स उनका फुल यूज़ कर सकते हैं, उनको सही से इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे? जो डैम्स हैं वो बनाए रिवर्स के ऊपर, मतलब जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, उनके ऊपर डैम्स बनाए जाएं। तो डैम्स में वाटर स्टोर होगा, मतलब जो वाटर रिसोर्स हैं जो कि वेस्ट हो रहे हैं या वाटर रिसोर्स का सही से इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो उसके लिए जो वाटर है उसको स्टोर किया जाए डैम्स के थ्रू, मतलब डैम्स बनाए जाएँ रिवर्स के ऊपर। और दूसरा क्या किया जाए कि अवेयरनेस कैंपियंस चलाई जाए, अवेयरनेस के लिए कैंपियंस चलाई जाए जो लोग हैं उनके दरमियान कि वो वाटर को वेस्ट ना करें। तो उसका मतलब कि पैसेज के अंदर क्या कह रहा है कि जो वाटर रिसोर्स है हमारे कंट्री के वो बहुत ज़्यादा कम इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो उसमें लगाए जाने के लिए पैसों की कमी है और टेक्नोलॉजी की भी कमी है, इसी वजह से वाटर रिसोर्स सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे। लास्ट जो पोर्शन है वाटर रिसोर्स का वो वेस्ट होता है, एक तो फ्लूड्स की वजह से, सैलाब की वजह से, और दूसरा जो घरों में या इरीगेशन के लिए जो फसलों में यूज़ होता है वाटर वो सही से यूज़ नहीं करते, और जो अपना सैलाब है उन दोनों की वजह से वो वेस्ट हो रहा है।
उसके बाद कह रहा है वाटर को सही से यूज़ कर सकते हैं, एक तो डैम्स बनाए रिवर्स के ऊपर और दूसरा अवेयरनेस कैंपेन से लाएँ लोगों के दरमियान। अब कह रहा है कि हमारे पास बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स इज़ एन असेंशियल स्टेप इन द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये डैम्स को बिल्ड करना एक असेंशियल स्टेप है वाटर की कंजर्वेशन के लिए, मतलब कि वाटर के जो रिसोर्स हैं उनको कंजर्व करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको महफूज करने के लिए एक अच्छा स्टेप है। तो इस स्टेटमेंट को हमने क्या करना है, जज करना है इसके बेस पे, मतलब पेसेज में जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे हमें बताना है कि ये क्या है, डेफिनेटली ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, डेटा इज़ इनएडिक्वेट, प्रोबेबली फॉल्स। तो मैंने आपको बताया कौन सा ऑप्शन आप कब सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि जो डैम्स हैं वो बिल्ड करना एक असेंशियल स्टेप है वाटर को कंजर्व करने के लिए। चीज़ हमारे पास यहाँ पे सीधी सीधी लिखी हुई है कि हम जो वाटर रिसोर्स हैं उनका सही इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, जो रिवर्स हैं उनके ऊपर डैम लगा के, मतलब कि जो रिवर्स है उनके ऊपर डैम बिल्ड करके वाटर के रिसोर्स को सही से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यही तो चीज़ कह रहा है कि वाटर रिसोर्स है उनकी कंजर्वेशन के लिए, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको सही से इस्तेमाल करने के लिए असेंशियल स्टेप है बिल्डिंग ऑफ डैम्स। तो वही चीज़ ऊपर भी लिखी हुई है, तो उसका मतलब कि ऊपर पे जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पे 100% चीज़ करेक्ट है, उससे ये 100% सही साबित हो रही है इसके बेस पे, तो इसीलिए हम इसको डेफिनेटली ट्रू कहेंगे। उसके बाद कह रहा है आक्रंस ऑफ फ्लूड्स एज टू वाटर रिसोर्सेज। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो फ्लूड्स आते हैं वो वाटर रिसोर्स हैं उनमें एड करते हैं, मतलब कि पानी के जो रिसोर्स हैं हमारे पास जो फ्लूड्स हैं वो उनमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं पानी, और ज़्यादा पानी उसमें ऐड कर रहे होते हैं वाटर रिसोर्सेज में। तो देखें ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसके बेस पे, इस पैसेज के बेस पे हमें इसका बताना है कि ये क्या है। तो देखिए ऊपर हमारे पास फ्लूड्स के हवाले से ये चीज़ लिखी हुई है कि जो लार्ज पोर्शन होता है वाटर रिसोर्स का वो वेस्ट होता है फ्लूड्स की वजह से, मतलब एक्चुअल में हमारे पास यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो वाटर का लार्ज पोर्शन है वो फ्लूड्स की वजह से वेस्ट हो रहा है, और ये स्टेटमेंट में बता रहा है कि फ्लूड्स जो है वाटर रिसोर्सेज में ऐड करें। ऊपर तो लिखा हुआ है कि जो फ्लूड्स हैं उनकी वजह से वाटर रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे जो लिखी हुई ये चीज़ कि वाटर रिसोर्सेज में फ्लूड्स ऐड करते हैं वो क्या है इसके बेस पे गलत है, क्योंकि हमारे पास ये जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है इसके बेस पे इनकरेक्ट है। जो चीज़ यहाँ पे बताई गई है बिल्कुल इसके ये अपोजिट बात कर रहा है, तो जब भी अपोजिट ये बात कर रहा है इसके बिल्कुल हिसाब से ये इनकरेक्ट है, तो हम क्या सिलेक्ट करते हैं, डेफिनेटली फॉल्स सिलेक्ट करते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। उसके बाद कह रहा है द कंट्री डज नॉट हैव इनफ फंड्स टू डेवलप वाटर रिसोर्सेज। कह रहा है कि जो कंट्री है उसके पास इतने फंड्स नहीं है कि वाटर रिसोर्सेज को सही से डेवलप करे। तो हाँ सीधी सी बात है, ऊपर यही जो चीज़ लिखी हुई है मैंने आपको बताया ना कि जो वाटर रिसोर्स है वो अंडर यूटिलाइज है, सही से इस्तेमाल नहीं हो रहे, उसका रीज़न ये है कि लेक ऑफ कैपिटल, मतलब उसमें लगाने के लिए पैसे नहीं है। तो वही तो चीज़ कह रहा है कि फ़ंड्स हैं उनकी कमी है इसीलिए वाटर रिसोर्सेज सही से डेवलप नहीं हो रहे। तो बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, तो इसके बेस पे ये क्या है, करेक्ट है, 100% सही है, तो इसके लिए हम डेफिनेटली ट्रू सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को आपको इसके बेस पे पेसेज के ऊपर जज करना होता है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो 198 नंबर क्वेश्चन है इसके अंदर क्या कह रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज रिमोट इज कोडेड एस ROTEME, विच वर्ड वुड बी कोडेड एस PNIIIC। कह रहा है कि हमारे पास जो रिमोट है उसको हम कोड कर रहे हैं, मतलब कि उसका कोड हम बना रहे हैं कौन सा, ये ROTEME वाला। तो इस तरीके से कौन सा वर्ड होगा जिसको हम कोड करेंगे एस दिस, मतलब कि ये हमारे पास जो कोड है ये हमारे पास कौन से वर्ड का होगा, मतलब किस वर्ड को हम इस तरीके से कोड करेंगे, जिस तरीके से रिमोट को हमने कोड किया है इस तरीके से ये जो हमारे पास कोड है ये किस वर्ड का है, किस वर्ड को हमने ऐसे कोड किया है। तो देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखें जो भी हमें बताना है इस वर्ड का बताना है कि वर्ड जिसको हम कोड करें इस तरीके से, तो वो वर्ड हमें अगर बताना है तो उसके लिए हमें वो पैटर्न पता होना चाहिए जो कि ऊपर ये फॉलो हो रहा है, मतलब रिमोट को हमने कोड किया है ना इस तरीके से, तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, अगर हमें वो पैटर्न पता चल जाए तो आराम से हम बता देंगे कि ये जो कोड है ये किस वर्ड का है, मतलब किस वर्ड को हमने ऐसे कोड किया है, तो वो हमें आराम से पता चल जाएगा। तो देखिए हमारे पास ये अगर कोड है इसको एनालाइज करें तो इसके अंदर देखिए हमारे पास जो फर्स्ट लेटर है और लास्ट लेटर ये हमारे पास जो ओरिजिनल वर्ड है वही सेम रखें, तो उसका मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास जो वर्ड होगा उसके अंदर फर्स्ट और लास्ट लेटर तो सेम होंगे, ये जो कोड है इसके अंदर जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वही सेम होंगे ओरिजिनल वर्ड के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऊपर यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि कोड के अंदर जो फर्स्ट और लास्ट लेटर है वो सेम है ओरिजिनल वर्ड वाले। उसके बाद देखें जो दूसरे हमारे पास लेटर हैं, जैसे यहाँ पर अगर देखें हम सेकंड लेटर को, तो हमारे पास जो ओरिजिनल वर्ड है उसके अंदर जो सेकंड लेटर है वो कोड के अंदर हमारे पास फोर्थ नंबर पे, देखें यहाँ पे जो ई है वो हमारे पास कोड के अंदर फोर्थ लेटर पे है, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो सेकंड लेटर होगा इस वर्ड का वो हमारे पास इस कोड के अंदर फोर्थ नंबर पे होगा, तो उसका मतलब फोर्थ नंबर पे कौन सा लेटर आया है, तो उसका मतलब यहाँ पे सेकंड जो होगा लेटर वो आया होगा, पहला तो पी है, दूसरा हमारे पास आया है, और लास्ट वाला हमारे पास सी है, वो तो हमें पता है।
अब देखिए हमारे पास उसके बाद इसका ओरिजिनल वर्ड का जो थर्ड लेटर है वो हमारे पास कोड के अंदर कहाँ पे है, ये हमारे पास थर्ड लेटर है जो एम, ये हमारे पास कोड के अंदर फिफ्थ पोजीशन पे है। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो ओरिजिनल वर्ड है उसका थर्ड लेटर कोड का फिफ्थ लेटर है। तो कोड का फिफ्थ लेटर हमारे पास कौन सा है, सी है। तो उसका मतलब कि ओरिजिनल लेटर का ये कौन सा है, थर्ड वर्ड है, थर्ड लेटर है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ओरिजिनल वर्ड है उसका जो फोर्थ लेटर है वो कोड का कौन सा लेटर है, कोड का वो हमारे पास यहाँ पे जो ओ है वो सेकंड लेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास वही सेम चीज़ होगी कि कोड के अंदर जो सेकंड लेटर है वो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड का क्या है, फोर्थ लेटर है। तो यहाँ पे कोड के अंदर हमारे पास इस कोड में कौन सा है, सेकंड लेटर एन है, तो ये हमारे पास यहाँ का कौन सा होगा, फोर्थ लेटर होगा, तो यहाँ पे फोर्थ लेटर एन आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ लेटर है ओरिजिनल वर्ड का वो हमारे पास कोड का कौन सा है, यहाँ पे जो टी है ये हमारे पास कोड का थर्ड लेटर है, तो उसका मतलब कि कोड का जो थर्ड लेटर है वो हमारे पास ओरिजिनल वर्ड का फिफ्थ लेटर है। तो कोड का थर्ड कौन सा है, यहाँ पे आई है, तो वो हमारे पास फिफ्थ लेटर है। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से क्या बना, हमारे पास पी आई सी एन आई सी मतलब पिकनिक वर्ड बन गया। तो उसका मतलब कि हमारे पास ओरिजिनल वर्ड कौन सा था, पिकनिक था, जिसको हमने इस तरीके से कोड किया था। तो ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना कि एक वर्ड है उसको ऐसे हम कोड करें तो दूसरा जो वर्ड होगा उसको हम कैसे कोड करेंगे, या फिर दूसरा हमारे पास जो ये कोड है वो किस वर्ड का है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो वो वाला ऊपर आपको जो मिला हुआ है ना रेफरेंस के तौर पे, उसको आप एनालाइज करें कि उसके अंदर किस पैटर्न के अंदर वो कोडिंग की गई है, वो जो कोड है वो कैसे लिखा गया है, ओरिजिनल वर्ड के कौन से लेटर्स हैं, वो कोड में कौन सी पोजीशन पे है, ये चीज़ आपने चेक करनी होती है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, पिकनिक। उसके बाद कह रहा है फाइव बैग्स आर लाइंग इन अ पाइल वन अबोव द अदर, If A is above B, C is above D, but below E and D is above A, which bag is in the middle? कह रहा है कि पांच बैग्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, पांच बैग्स एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। अब इसमें कह रहा है जो A है वो B से ऊपर है, मतलब C है वो D के ऊपर है, C D से ऊपर है, और वो हमारे पास जो E है ना उससे नीचे है, मतलब कि C जो है D से ऊपर है, E के नीचे है। अगर हम C और D और E को अगर लिखें तो C हमारे पास क्या है, D से ऊपर है, मतलब सी डी से ऊपर है, मतलब डी हमारे पास के नीचे आ गया, और हमारे पास ये जो ई है उससे नीचे है, मतलब डी से तो ऊपर है सी पर, बट ई से नीचे है, तो उसका मतलब ई सी के क्या है, ऊपर है। तो इस तरीके से ई ऊपर आ गया किसके, सी के, तो उसका मतलब ये चीज़ हो गई कि ई ऊपर आ रहा है, सी उसके नीचे और डी उसके नीचे, यही चीज़ बोल रहा है ना। बात जो कह रहा है कि जो डी है हमारे पास वो ए से ऊपर है, मतलब ये जो डी है हमारे पास वो क्या है, ए से ऊपर है, मतलब ये जो D है ये A से ऊपर है, और A के बारे में हमें ये बता रहा था कि जो A है वो हमारे पास B से ऊपर है, तो उसका मतलब कि A के नीचे क्या है, B है। तो यही चीज़ हमारे पास है कि ये जो पांच जो बैग्स हैं ये इसी सीक्वेंस के अंदर एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। तो ये हमारे पास लॉजिकल डिडक्शन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना ये पूरी हमारे पास क्या है, पज़ल फॉर्म के अंदर है। तो अब ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसको हमने आंसर कैसे करना है, ये जो पज़ल फॉर्म में इन्फॉर्मेशन है इससे हमने वो इसका जो आंसर है वो डिड्यूस करना है, निकालना है। तो हमें क्या करना है, ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको समझना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, और इस तरीके से हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे हमें बोला था पांच बैग्स हैं और उसमें हमारे पास जो ए है बी से ऊपर है, सी है जो वो डी से ऊपर है पर ई से नीचे है, तो जब सी डी से ऊपर थी तो हमने वो चीज़ लिखी कि सी डी से ऊपर आ गई और ई के नीचे हमने उसको लिख दिया। और उसके बाद हमें कह रहा था कि जो डी है वो ए से ऊपर है, तो डी को हमने ए से ऊपर लिख लिया, मतलब ए को डी के नीचे हमने लिख लिया, और जो ए है हमें वो ऊपर बता रहा था कि बी से ऊपर है, तो ए को हमने बी से ऊपर लिख लिया। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ पूरा जो है उसकी सीक्वेंस वो मालूम कर ली। अब कह रहा है जो बैग है मिडिल में कौन सा होगा, तो पांच है, पांच में से जो मिडिल में होगा वो कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा, ये एक दो तीन चार पांच है, पांच में से ये दो यहाँ पे आ गए, दो यहाँ पे आ गए, बीच वाला कौन सा होगा, ये तीसरे नंबर वाला, तो वो कौन सा है हमारे पास, वो है हमारे पास डी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डी होगा, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है फाइंड द टर्म व्हिच डज नॉट फिट इन टू द सीक्वेंस, कह रहा है कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस है इसके अंदर कौन सा टर्म फिट नहीं आ रहा। तो देखिए ये हमारे पास जो सीक्वेंस है, ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारे पास लेटर्स एंड सिंबल सीरीज़ का जो एक क्वेश्चन है, इस पूरी सीरीज़ है, इसके अंदर हमें बताना है कि कौन सा जो हमारे पास यहाँ पे टर्म है जो इस सीरीज़ के अंदर फिट नहीं आ रहा, मतलब सीरीज़ के अंदर जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो नहीं लिखा गया, वो उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा टर्म, तो वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखें 1CV, 5FU, 9IT, 15LS और 17OR, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले देखें आसानी से हमें जो चीज़ नज़र आ रही है वो नंबर्स है, तो पहले नंबर का पैटर्न देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर का क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 1 के बाद 5 आ रहा है, मतलब 1 से 5 आ रहा है, 4 ऐड हो रहे हैं, 5 से 9 आ रहा है, मतलब फिर से 4 ऐड हो रहे हैं, मतलब कि सीरीज़ के अंदर जो नंबर्स हैं उनमें 4 का एडिशन हो रहा है, मतलब सीरीज़ में जो नंबर बढ़ रहा है आगे वो 4 से बढ़ रहा है, मतलब 4 की एडिशन हो रही है सीरीज़ में। तो उस तरीके से 1 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ, अब 9 से 13 होना चाहिए और 13 से 17, तो 17 यहाँ पे सही लिखा हुआ है,
तो उसका मतलब कि 4 की एडिशन हो रही है और उस लिहाज से यहाँ पे 13 होना चाहिए था, 19, उसके बाद 4 ऐड करेंगे 13, तभी ये हमारे पास 4 ऐड करने से 17 आएगा। तो उसका मतलब ये बीच में गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 13 होना चाहिए। तो ये जो टर्म है ये हमारे पास सीक्वेंस को फॉलो नहीं करा, जो पैटर्न है ना प्लस 4 की एडिशन हो रही है वो यहाँ पे ये फॉलो नहीं करा, ये हमारे पास टर्म इस सीक्वेंस में फिट नहीं आ रहा। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 LS। तो ये हमारे पास जो लास्ट वाला है डी ऑप्शन, ये है इसका करेक्ट आंसर। ये जो हमारे पास ETA 2022 का पेपर था उसका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन था, जिसको हमने विथ ट्रिक्स डिटेल में एक्सप्लेन करके सॉल्व किया। तो अब हम सिंध एमडीकेट 2022 का जो पेपर है उसके लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि PQRSNT आर 5 पीपल इन द फैमिली। If P is the daughter of Q and Q is the son of R, R is the father of S, while T is daughter of P, then which of the following is true? अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है, हमें इस 195 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि P, Q, R, S और T जो हैं ये 5 लोग हैं एक फैमिली के। अब इनमें जो P है वो Q की डॉटर है, जबकि जो Q है वो R का सन है, जबकि जो R है वो S का फादर है, और जो T है वो P की डॉटर है। तो बताएं कि ये जो हमारे पास ऑप्शंस हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू रहेगा। तो पहले में कह रहा है आर इज़ द अंकल ऑफ पी, दूसरे में कह रहा है आर इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ पी, और सी में कह रहा है पी एंड आर आर सिस्टर्स, क्यू इज़ द सिस्टर ऑफ एस, पी इज़ द सिस्टर ऑफ टी। तो देखें ये हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है कि ये जो सारे ऑप्शन हैं इनको हम वन बाई वन चेक करेंगे इसी पेसेज के बेस पे, इसी इन्फॉर्मेशन के बेस पे, कि वेदर हमारे पास वो ऑप्शन इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे करेक्ट है या नहीं है। बट क्योंकि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि सारी इन्फॉर्मेशन जो है बहुत ज़्यादा पजल फॉर्म के अंदर लिखी गई है, तो फिर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस इन्फॉर्मेशन को, गिवन इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। हमारे पास लॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि पी, क्यू, आर एंड एस एंड टी हमारे पास 5 लोग हैं, इसमें पी जो है वो क्यू की क्या है, डॉटर है, मतलब जो पी है वो क्यू की डॉटर है, उसका मतलब ये हमारे पास क्यू है, तो Q की जो P है वो क्या है, P उसकी डॉटर है, तो ये P जो है Q की क्या है, डॉटर है। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या कह रहा है कि जो Q है वो सन है किसका, R का, तो उसका मतलब ये जो Q है ये क्या है, जो R है उस R का क्या है, R का ये एक सन है। उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि R इज़ द फादर ऑफ S, मतलब कि हमारे पास ये जो R है हमारे पास S का फादर है, मतलब कि एस का फादर है। अब एस क्या है, इसका डाटर, इसकी डाटर है या इसका सन है, वो कुछ भी नहीं बता रहा है, जस्ट नहीं कह रहा है कि आर है उसका एक चिल्ड्रेन एस है, मतलब एस का आर फादर है। उसके बाद कह रहा है टी इज़ द डॉटर ऑफ पी, जो टी है वो क्या है, डॉटर है पी की, जो हमने पी पढ़ी थी यहाँ पे लिखा था उसकी टी क्या है, उसकी डॉटर है। तो ये हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन सिंप्लीफाई हो गई। अब देखते हैं वन बाई वन ऑप्शन को चेक करते हैं। आर इज़ द अंकल ऑफ पी, कि आर है वो पी का अंकल है, देखें आर जो है वो क्या है, पी का ग्रैंड फादर है, R है, R का जो सन है वो Q है, और Q की डॉटर P है, तो P का R क्या है, ग्रैंड फादर है। तो ये हमारे पास पहला जो है हमारे पास ऑप्शन गलत है। R इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ P, कि R ग्रैंड फादर है P का, तो ये बिल्कुल सही है, R जो है ये P का ग्रैंड फादर ही है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट सही है, बी ऑप्शन। देखें तो P एंड R आर सिस्टर्स लिखा हुआ है, तो देखिए P और R का आपस में क्या ताल्लुक है, R P का ग्रैंड फादर है, तो ये भी गलत है। Q इज़ द डॉटर ऑफ S, Q क्या है, S की डॉटर है, नहीं, Q जो है वो S और Q आपस में सिबलिंग्स हैं, डॉटर नहीं है Q। और उसके बाद कह रहा है पी इज़ सिस्टर ऑफ टी, पी क्या है, सिस्टर है टी की, नहीं, जो पी है वो टी की क्या है, मदर है। तो उसका मतलब कि ये दूसरे सारे गलत हैं ऑप्शन, सिर्फ यही सही है कि आर इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ पी, क्योंकि आर है उसका सन क्यू है, और जो क्यू सन है उसकी बेटी है वो पी है, तो उसका मतलब कि आर जो है पी का क्या हुआ, ग्रैंड फादर हुआ, तो हमारे पास जो बी है वो करेक्ट होगा। उसके बाद हमारे पास 196 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है विच वुड बी नेक्स्ट इन द सीरीज़, कह रहा है इस सीरीज़ में नेक्स्ट हमारे पास कौन सा टर्म आएगा। तो देखें ये हमारे पास लेटर्स और नंबर्स दोनों की मिक्स सीरीज़ है, इसके अंदर हमें बताना है कि इससे आगे सीरीज़ में क्या आएगा। तो 7C, 10F, 14J, 19O, तो देखिए सबसे पहले हम नंबर का चेक करते हैं कि नंबर का कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, और उसके बाद हम लेटर का पैटर्न चेक करेंगे। तो जब भी हमारे पास नंबर्स और लेटर्स की सीरीज़ आती है तो आपको क्या करना है कि वो पैटर्न फाइंड करना है जिस पैटर्न के अंदर वो सीरीज़ आगे बढ़ रही है, जिस पैटर्न के अंदर वो सीरीज़ लिखी गई है, तो वो हमारे पास पैटर्न यहाँ पे कौन सा है वो पहचानते हैं, क्योंकि लेटर्स और नंबर्स दोनों है, तो सबसे पहले नंबर का चेक करते हैं। तो नंबर्स के अंदर 7 है, 7 के बाद 10 आया, 10 के बाद 14 आया, 14 के बाद 15 आया। 7 से 10 कैसे हुआ, 3 ऐड किया तभी हुआ, 10 से 14 कैसे हुआ, 4 ऐड किया,
और फिर 19 के सिवा 5 एड किया, मतलब पहले 3 एड हो रहा है, फिर 4 एड हो रहा है, फिर 5 एड हो रहा है, मतलब कि जो सीरीज़ के अंदर एडिशन हो रही है वो एक एक से बढ़ रही है। पहले 3 की एडिशन हुई, फिर 4 की एडिशन हुई, फिर 5 की, तो अब कितने की एडिशन होगी, 6 की होगी। उसका मतलब कि 19 और 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो उसका मतलब कि हमारे पास जो नंबर यहाँ पे आएगा वो 25 होगा। अब देखिए उसके बाद लेटर कौन सा आएगा, उसके लिए हमें लेटर्स की सीरीज़ चेक करनी होगी कि लेटर्स में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट यहाँ पे उसकी कोई नीड नहीं है क्योंकि हमारे पास जो 25 वाला ऑप्शन है वो सिर्फ एक ही है, तो उसका मतलब कि यही हमारे पास करेक्ट होगा 25 यू। सेम नंबर वाले 2-3 ऑप्शन हो तो हमें फिर लेटर्स चेक करना होगा इस केस के अंदर, तो वो भी कर लेते हैं। सही ऑप्शन तो ये है डी, 25 यू। देखिए हमारे पास सी है, सी से एफ हुआ तो बीच में 2 लेटर्स का गैप आया डी और ई। एफ से जे हुआ मतलब कि 3 का बीच में गैप आया। F के बाद G H I 3 का गैप आया। उसके बाद J से O हुआ तो 4 का गैप आया, KLMN। अब O से हमारे पास 5 लेटर्स का गैप आएगा, मतलब कि O के बाद क्या आएगा, PQRST। उसके बाद हमारे पास U आ जाएगा 5 लेटर्स के गैप के बाद, तो उसका मतलब कि यहाँ पे लेटर कौन सा होगा, U होगा। वही हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है 25 U। उसके बाद 197 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है, अल्दो मोस्ट ऑफ द लुक्रेटिव जॉब्स इन पाकिस्तान रिक्वायर अ कॉलेज डिग्री। Many of the new jobs require knowledge other than gained in the college or university. For workers in those jobs, good basic skills in reading, communication and mathematics play an important role in getting job and developing a career. From the information given above, we can be validly concluded that in today's economy, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है क्वेश्चन के अंदर, एक हमारे पास पैसेज गिवन है, एक हमारे पास इंफॉर्मेशन का सेट मौजूद है, मतलब इंफॉर्मेशन कुछ हमें दी गई है, एक पैसेज हमें दिया गया है। अब उस पैसेज के बेस पे हमें बताना है कि ये जो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, कंक्लूजन लिखे हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कंक्लूजन सही कौन सा है, मतलब इस पैसेज के बेस पे कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है वो हमें बताना है। तो डिफरेंट जो ऑप्शंस हैं उनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट कंक्लूजन है इसी पैसेज का, इसी इंफॉर्मेशन का, मतलब कि कौन सा कंक्लूजन इस पैसेज से हम निकाल सकते हैं, कौन सा ऑप्शन वो करेक्ट कंक्लूजन है जो इस पैसेज से निकाला जा सकता है वो हमें बताना है। हम सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम ये जो पैसेज है इसको अच्छे से समझेंगे कि इसमें इसका मतलब क्या है, एंड देन हम जो ये ऑप्शन है वन बाय वन इनको चेक करेंगे कि हमारे पास क्या वाकई ये इसके इंफॉर्मेशन के बेस पे वाकई ये कंक्लूजन निकल सकता है इससे या नहीं। तो यही हमारे पास हमें बताना है कि वैलिडली कंक्लूड जो हो रहा है, मतलब कि जो कंक्लूजन वाकई निकल सकता है यहां से, वो हमें बताना है इनमें से। तो सबसे पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए हमारे पास कह रहा है कि जो मोस्ट ऑफ़ द लिक्रेटिव जॉब्स हैं पाकिस्तान में, मतलब कि जो मोस्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब्स हैं, बड़ी जॉब्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए कॉलेज की डिग्री रिक्वायर होती है। बट कह रहा है कि हमारे पास काफ़ी ऐसी न्यू जॉब्स आई हैं जिनके लिए जो नॉलेज है ना कॉलेज या यूनिवर्सिटी मिलती है, उसके अलावा दूसरी नॉलेज भी रिक्वायर होती है। कह रहा है कि वैसे तो जितनी भी जॉब्स हैं पाकिस्तान में, बड़ी बड़ी जॉब्स, प्रॉफिटेबल जॉब्स, उनमें कॉलेज की डिग्री रिक्वायर होती है, बट कह रहा है कुछ न्यू जॉब्स ऐसी आई हैं जिनमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की डिग्री के अलावा दूसरी नॉलेज भी रिक्वायर है। फॉर वर्कर्स इन दो जॉब्स, कह रहा है कि उन जॉब्स के अंदर जो वर्कर्स होंगे काम करेंगे उनके लिए बेसिक स्किल्स जो हैं रीडिंग के, कम्युनिकेशन के और मैथमेटिक्स के, वो बहुत ज़्यादा असेंशियल हैं। मतलब कि जो दूसरी जॉब्स आई हैं ना जिनमें दूसरी नॉलेज रिक्वायर है, उन में जो वर्कर्स होंगे उनके लिए रीडिंग में, कम्युनिकेशन में और मैथमेटिक्स में अच्छे स्किल होना लाजमी है। और ये चीज़ें जो हैं दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग ए जॉब, ये जो चीज़ें हैं वो एक नई जॉब हासिल करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगी, एंड डेवलपिंग ए करियर और करियर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करेंगी ये चीज़ें, मतलब कि ये जो कम्युनिकेशन में, रीडिंग में या मैथमेटिक्स के जो बेसिक स्किल्स हैं ये। फिर कह रहा है हमारे पास इस इंफॉर्मेशन से हमें ये चीज़ बतानी है कौन सा कंक्लूजन सही है, मतलब कौन सा हमारे पास ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ से कंक्लूड किया जा सकता है वैलिड कंक्लूजन है इसी पैसेज का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा है एक्स्ट्रा नॉलेज इज एडेड बेनिफिट फॉर करियर डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो एक्स्ट्रा नॉलेज है वो करियर डेवलपमेंट के लिए एक इजाफी फ़ायदा है, इजाफी बेनिफिट है। तो देखिए ये कंक्लूजन तो हम इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बात ये हो रही है कि जो हमारे पास कुछ नई, कुछ दूसरी जॉब्स ऐसी आई हैं जिनके लिए कॉलेज की डिग्री के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज भी रिक्वायर है, तो हम ये नतीजा तो नहीं निकाल सकते कि जो करियर डेवलपमेंट है उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज एक इजाफी फ़ायदा है करियर डेवलपमेंट के लिए, ये तो हम चीज़ नहीं निकाल सकते इससे कंक्लूजन। मतलब ये नहीं है कि ओवरऑल करियर डेवलपमेंट जो है उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज एक एडेड बेनिफिट है, तो ये कंक्लूजन यहाँ से नहीं निकल सकता। तो उसके बाद दूसरा में कह रहा है पीपल शुड ट्रेन देयर चिल्ड्रेन फॉर टेक्निकल वर्क, कि जो लोग हैं उनको अपने बच्चों को टेक्निकल वर्क के लिए ट्रेन करना चाहिए, तो ऐसी भी कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही, ऐसा कंक्लूजन भी हम नहीं निकाल सकते क्योंकि ऐसी कोई ऊपर बात ही नहीं हो रही। उसके बाद कह रहा है स्किल्स इन रीडिंग, कम्युनिकेशन एंड मैथमेटिक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग ए सक्सेसफुल करियर।
तो हाँ ये चीज़ तो कह रहा है कि जो स्किल्स हैं रीडिंग के, कम्युनिकेशन के और मैथमेटिक्स के, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सक्सेसफुल करियर के लिए। तो वही चीज़ कह रहा है कि कुछ जो जॉब्स हैं उनमें सक्सेसफुल करियर के लिए ये जो स्किल्स हैं रीडिंग के, कम्युनिकेशन के और मैथमेटिक्स के, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ तो ऊपर लिखी हुई है, तो ये कंक्लूजन तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, उसका मतलब ये हमारे पास करेक्ट है। और फिर कह रहा है ऑल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ऑफ वर्थलेस, ये सिर्फ इतना ही कह रहा है कि जो जॉब्स के लिए कॉलेज की डिग्री के अलावा दूसरी चीज़ें भी रिक्वायर हैं, पर इससे ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वर्थलेस है, तो ये भी गलत है। उसके तो उसका मतलब कि ये हम नतीजा निकाल सकते हैं इससे, ये कंक्लूजन वैलिड है कि स्किल्स जो है रीडिंग, कम्युनिकेशन और मैथमेटिक्स के, वो सक्सेसफुल करियर की डेवलपमेंट के लिए क्या है हमारे पास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उसमें। उसके बाद कह रहा है आफ्टर 7 ईयर्स ऑफ सजेशन फ्रॉम एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट द सिंध लेजिस्लेशन इज फाइनली पास्ड इन एंटी पॉल्यूशन ऑर्डिनेंस फ्रॉम अ रीडिंग ऑफ लैंग्वेज द लेजिस्लेशन प्रोमिसज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बिल्स इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोविंस विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द पैसेज। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या कह रहा है कि 7 साल तक सजेशन मिली एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बाद जो सिंध का लेजिस्लेशन था उसने एक बिल पास किया पॉल्यूशन के अगेंस्ट। अब कह रहा है कि वो जो बिल है उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि ये जो बिल है ये जो ओवरऑल प्रोविंस की पूरी हिस्ट्री है उसमें से मोस्ट इफ़ेक्टिव बिल्स में से एक होगा, प्रोविंस की हिस्ट्री के जितने भी मोस्ट इफ़ेक्टिव बिल, यूजफुल जो बिल्स रहे हैं उनमें से एक है ये। विच ऑफ़ द फॉलोइंग कैन बी डिडक्टेड फ्राम दिस पैसेज, इस पैसेज से जो ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन इस पैसेज से डिडक्ट किया जा सकता है। कह रहा है कि हमारे पास ये एक पैसेज गिवन है, तो इससे कौन सा हमारे पास ऑप्शन है वो वाकई हम डिडक्ट कर सकते हैं, मतलब कौन सा कंक्लूजन इससे हम निकाल सकते हैं, ये जो हमारे पास ऑप्शन हैं इनमें से कौन सा कंक्लूजन इसके बेस पे करेक्ट है, कौन सा कंक्लूजन हम इससे निकाल सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जो कि वाकई इस बेसिस से वो कंक्लूजन निकाला जा सकता है, वो ऑप्शन हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है पॉल्यूशन इज़ नॉट अ न्यू प्रॉब्लम इन द कंट्री, कह रहे कि पॉल्यूशन कंट्री में कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, क्या कि ये नतीजा हम निकाल सकते हैं इससे। देखिए यहाँ पे हम सिर्फ बात इतनी हो रही है कि सिंध के अंदर एक लेजिस्लेशन पास हुआ है पॉल्यूशन के अगेंस्ट, और ये जितने भी सिंध की हिस्ट्री में हुए हैं मोस्ट इफेक्टिव बिल्स उनमें से एक लग रहा है, जस्ट इतनी बात है। इससे हम ये नतीजा नहीं निकाल सकते कि पॉल्यूशन जो है वो कंट्री का कोई नया प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई नतीजा उससे निकाल नहीं सकते हम। तो उसका मतलब कि ये कंक्लूजन, ये डिडक्शन रॉन्ग है। उसके बाद कह रहा है हमारे पास के टू रिड्यूस पॉल्यूशन द लेजिस्लेशन मस्ट नाउ बी एनफोर्स, कह रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है उसको रिड्यूस करने के लिए ये जो लेजिस्लेशन है उसको मस्ट इन्फोर्स करना चाहिए, मतलब कि उसको अप्लाई करना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो सीधी सी बात है ये तो हम नतीजा निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये लेजिस्लेशन पास इसीलिए हुआ है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये जो एंटी पॉल्यूशन ऑर्डिनेंस से ये पास हुआ है, और देखने से तो यही लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा ऑर्डिनेंस है। यही बोल रहा है ना कि जो लेजिस्लेशन है प्रोमिसज टू बी वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव बिल्स, मतलब कि ये जो है देखने से पढ़ने से तो यही लग रहा है कि ये लेजिस्लेशन जो तारीख है उस सूबे की तारीख है उसमें से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव बिल में से एक है ये। तो सीधी सी बात, इतना जब इफेक्टिव है तो उसको वाकई अप्लाई करना चाहिए पॉल्यूशन को कम करने के लिए। तो ये नतीजा तो हम इससे निकाल सकते हैं, मतलब ये कंक्लूजन इससे निकाल सकते हैं, उसका मतलब ये हमारे पास सही है। बाकी दूसरे भी सीधी सी बातें गलत होंगे क्योंकि एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें, तो पॉल्यूशन विल बी रिड्यूस इन द कंट्री, पॉल्यूशन कम होगी तो ये नहीं निकाल सकते, इससे ये कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते ना हम, ये कंक्लूजन तो रॉन्ग है इसके बेस पे, क्योंकि हमारे पास ये सूबे के लिए पास हुआ है ऑर्डिनेंस, कंट्री का ताल्लुक नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है पॉल्यूशन प्रॉब्लम विल बी इलिमिनेटेड इन द प्रोविंस, कि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम इलिमिनेट होगा। देखें यहाँ पे सिर्फ इतना ही कह रहा है कि पॉल्यूशन के अगेंस्ट एक ऑर्डिनेंस पास हुआ है जो कि इफेक्टिव लग रहा है, जो कि पढ़ने से देखने से इफेक्टिव लग रहा है, बट उसका मतलब ये नहीं है, उससे ये कंक्लूड तो हम नहीं कर सकते कि उससे पॉल्यूशन का मसला कम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये कंक्लूजन तो नहीं निकाल सकते। जैसे इतना ही बिल पास हुआ है वो बिल इफेक्टिव है, देखने से इफेक्टिव लग रहा है, पर एक्चुअल में क्या होगा, वाकई ख़त्म होगी या नहीं पॉल्यूशन, तो ये तो हम नहीं बता सकते, उसका मतलब ये कंक्लूजन इससे ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो ये रॉन्ग है। उसके बाद कह रहा है पॉल्यूशन प्रॉब्लम विल बी रिड्यूस्ड इन द प्रोविंस, पॉल्यूशन का प्रॉब्लम जो प्रोविंस है उसमें कम हो जाएगा, तो ये भी हम नहीं बता सकते क्योंकि कम होगा नहीं होगा वो नहीं बता सकते। जस्ट हमें इतना ही पता है कि जो बिल है वो हमारे पास देखने के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लग रहा है, बस इतना ही हमें पता है। अब वो इफेक्टिव है तो सीधी सी बात है कि उसको इन्फोर्स करना चाहिए लेजिस्लेशन को ताकि पॉल्यूशन कम हो, तो ये सही होगा, बाकी ये गलत होंगे क्योंकि हमारे पास ये कम होगा या ख़त्म होगा ये चीज़ तो हम नहीं बता सकते उसके बेस पे। जस्ट इतना ही हमें कह रहा है ना कि जो लेजिस्लेशन है वो सबसे इफेक्टिव है, बिल एक इफेक्टिव बिल है, देखने से पढ़ने से यही लग रहा है वो लेजिस्लेशन बहुत काम का है, तो सीधी सी बात है पॉल्यूशन को कम करने के लिए उसको एनफोर्स करना चाहिए, तो ये कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं इससे।
तो ये हमारे पास करेक्ट है बी ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास 199 नंबर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ कंपनी इलेक्शन द इलेक्टेड चेयरपर्सन गेव इज मैसेज टू द वर्कर्स दैट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट इज टू सर्व एंड नॉट टू डोमिनेट द वर्कर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन बेसिक अजम्पशन अंडरलाइंग चेयरपर्सन स्टेटमेंट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है और नीचे पूछ रहा है कि इस स्टेटमेंट से रिलेटेड कौन सी अजम्पशन सही है। तो देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला क्वेश्चन है। अब इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर एक स्टेटमेंट गिवन होती है और उसके नीचे हमारे पास अजम्पशंस लिखे होते हैं, हमें बताना है कि कौन सा अजम्पशन सही है। अब ये जो डिफरेंट ऑप्शंस हैं इनके अंदर इसने डिफरेंट चीज़ें लिखी हैं, तो हमें बताना है कौन सा इसका अजम्पशन है, मतलब कि कौन सा बेसिक अजम्पशन है जो कि इससे रिलेटेड है, इस स्टेटमेंट से। तो देखिए जो क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाले, उनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या है, अजम्पशन क्या है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वो फैक्ट्स हैं जो कि गिवन है, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है। अब उसके बाद जो अजम्पशन है, अजम्पशन का क्या मतलब होता है, अब अजम्पशन का मतलब होता है अस्यूम करना, मानना किसी चीज़ को। हमारे पास एक चीज़ गिवन है, उसके बेस पे हम कुछ मान रहे हैं, कुछ अज्यूम कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं अजम्पशन। मतलब कि ये हमारे पास जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अंदर जो फैक्ट्स हैं, अब उनसे रिलेटेड कोई दूसरी चीज़ है जो कि अंडरस्टूड है, मतलब कि समझ में आ रही है, उससे रिलेटेड है, मतलब हम मान सकते हैं इसके बेस पे, तो उसको हम कहते हैं अजम्पशन। मतलब अजम्पशन क्या है, अजम्पशन हमारे पास वो चीज़ है जो कि हमारे पास वो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, जिसको हम ऐसे ही सही मान सकते हैं, मतलब कि इन रिलेशन विद द स्टेटमेंट हम उसको सही मान सकते हैं। मतलब अजम्पशन क्या है, वो बात है, वो चीज़ है जिसको हम ये स्टेटमेंट में जो फैक्ट्स लिखी हुई हैं उनके साथ उसको भी सही मान सकते हैं, सही तस्वर कर सकते हैं। और ये भी चीज़ याद रखें कि जो अजम्पशन होती है ना, वो अजम्पशन हमेशा जो स्टेटमेंट होती है उससे रिलेटेड होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे खुद का जो ओपिनियन है उसके बेस पे हम अजम्पशन कहें कि वो करेक्ट है, ऐसा नहीं है। जो अजम्पशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए विद द स्टेटमेंट। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि जो चेयरपर्सन है गेव इस मैसेज टू द वर्कर्स, जो चेयरपर्सन था उसने वर्कर्स जो थे अपने उसको मैसेज एक दिया कंपनी इलेक्शन की डिक्लेरेशन के वक्त, के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट की वो सर्व करना है वर्कर्स को, ना कि डोमिनेट करना। मतलब कि स्टेटमेंट क्या है कि जो वर्कर्स हैं उनको ये मैसेज दिया गया कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी मैनेजमेंट की वो वर्कर्स को डोमिनेट करना नहीं है, वो उनको सर्व करना है। तो अब इससे हम क्या अजम्पशन निकाल सकते हैं, मतलब क्या हम अज्यूम कर सकते हैं बेस पे, वन बाय वन सबको हम चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज कैपेबल ऑफ डोमिनेटिंग द वर्कर्स, कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को डोमिनेट करने के कैपेबल है, तो सीधी सी बात है हम ये अजम्पशन बिल्कुल मान सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो वर्कर्स को डोमिनेट करने के कैपेबल है। तभी वो ये बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट है उसका काम वर्कर्स को डोमिनेट करना नहीं सर्व करना, जो कह रहा है कि उसका वो डोमिनेट करना उसका काम नहीं सर्व करना उसका काम है, उसका मतलब कि वो डोमिनेट करने के कैपेबल तो है बट डोमिनेट करना उसका काम नहीं है। मतलब ये चीज़ अंडरस्टूड है, ये चीज़ इसने कही नहीं है, मेंशन नहीं की यहाँ पे, बट ये चीज़ इसके बेस पे अंडरस्टूड है। ये लिखने से पहले ये चीज़ अंडरस्टूड है कि मैनेजमेंट कैपेबल है वर्कर्स को डोमिनेट करने के लिए, बट उसका काम ये नहीं है डोमिनेट करना, उसका काम यही है कि जो सर्व करना। तो ये चीज़ से पहले अंडरस्टूड है, तो उसका मतलब ये इसका अजम्पशन है, ये इससे डायरेक्टली रिलेटेड है। देखिए पहला ही जो हमारे पास अजम्पशन है वो हमारे पास करेक्ट है, तो बाकियों को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यही हमारे पास करेक्ट होगा ऑप्शन है। तो उसका मतलब ये चीज़ याद रखें, आपके अजम्पशन का मतलब होता है कि हमारे पास कोई स्टेटमेंट गिवन है ना, उस स्टेटमेंट से पहले ही हम कोई चीज़ अज्यूम कर सकते हैं मान सकते हैं कि हाँ भाई ये भी चीज़ है जो हमने लिखी नहीं है स्टेटमेंट के अंदर, बट स्टेटमेंट को लिखने से पहले वो चीज़ अंडरस्टूड है, वो चीज़ हालांकि अनसेड है, वो चीज़ बताई नहीं है हमने, बट वो समझने वाली है कि वो चीज़ है, उसी को हम अजम्पशन कहते हैं। तो बस ये चीज़ याद रखें, और वो डायरेक्टली रिलेटेड होनी चाहिए इससे स्टेटमेंट से, हमारा पर्सनल ओपिनियन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो इसी को अजम्पशन कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 208 के अंदर कह रहा है कि साइंटिस्ट रिसेंटली पब्लिश्ड दैट इन्फ्लुएंजा स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड मोर एफिशिएंटली इन मॉडर्न एरा ड्यू टू कमर्शियल एयर ट्रेवल। कह रहा है कि जो इन्फ्लुएंजा है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से दुनिया में बढ़ रहा है अभी का जो दौर है उसमें, ड्यू टू कमर्शियल एयर ट्रेवल। ये जो कमर्शियल एयर ट्रेवल होता है ना, मतलब कि एयर का जो ट्रेवल हो रहा है कमर्शियल, तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। कह रहा है कि जो फ्लू सिम्टम्स हैं आर सीवियर इनफ दैट द सिक वुड लाइकली कैंसिल आर स्केड्यूल एयर ट्रेवल, बट एन इन्फेक्टेड पर्सन कैन ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब बिफोर द फर्स्ट साइन अपीयर। कह रहा है कि जो फ्लू सिम्टम्स अगर इतने सीवियर हैं, बिल्कुल बंदा बीमार है, तो फिर उसको ट्रेवल को कैंसिल कर देना चाहिए या रिस्केड्यूल कर देना चाहिए। बट अगर इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो इन्फेक्टेड हो चुका है, अभी उसको सिम्टम्स नहीं आ रहे, उसके साइंस अपीयर नहीं हुए, तो फिर वो जो ग्लोब है उसके अक्रॉस ट्रेवल कर सकता है।
Further, if symptoms develop while someone is in a plane, the patient's cough can spread virus easily in an enclosed and closely packed environment. कह रहा है कि अगर कोई for example patient जो plane में है तभी उसको symptoms develop हो रहे हैं उसी plane के अंदर मौजूद होने के दौरान, तो अगर patient cough करता है, खांसी लेता है, तो वो जो virus है वो spread हो सकता है बिल्कुल बंद environment के अंदर. तो कह रहा है which of the following would best minimize the role of air travel can minimize the role air travel can play in the spread of influenza during a pandemic. कौन सा क्वेश्चन है ये हमारे पास? course of action से related क्वेश्चन है. इसके अंदर हमारे पास वो course of action बताना है जिससे हमारे पास ये influenza का spread जो air travel के through हो रहा है वो control हो सके. तो course of action से related क्वेश्चन है. ये problem है commercial air travel की वजह से, ये जो plane में जो traveling हो रही है, लोग ज़्यादा फैल रहा है influenza, तो ये मसला है एक. अब इसका course of action क्या होना चाहिए जिससे ये मसला सॉल्व हो, तो वो बताना है. तो ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है. अब यहाँ पे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट मिनिमाइज द रोल एयर ट्रेवल कैन प्ले इन द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा ड्यूरिंग अ पेंडेमिक. मतलब कि एयर ट्रेवल की वजह से जो इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड हो रहा है उसको कौन सा एक्शन कम कर सकता है. तो सारे एक्शन को वन बाई वन पढ़ेंगे. और कोर्स ऑफ एक्शन से रिलेटेड ये चीज़ याद रखें कि कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा होना चाहिए जिससे प्रॉब्लम मिनिमाइज हो या सॉल्व हो, और दूसरी ये चीज़ होनी चाहिए वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो, और तीसरी ये चीज़ होनी चाहिए उससे कोई दूसरा नुकसान ना हो. इन क्राइटेरियाज़ को जहन में रख के सारे ऑप्शंस को देखते हैं कौन सा वाकई एक्चुअल कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा. ऑप्शन नंबर ए के अंदर कह रहा है कि रिफ्यूजिंग टू अलो चिल्ड्रेन एल्डर्स आर अदर्स हु आर स्पेशली वल्नरेबल टू फ्लू बाय ट्रेवल बाय एयर ड्यूरिंग अ पेंडेमिक. कह रहा है कि वो जो लोग हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, या वो लोग जो कि फ्लू से जिनको ख़तरा है, तो उनको एयर के थ्रू ट्रेवल करना ड्यूरिंग पेंडेमिक उससे रिफ्यूज़ करना चाहिए, उससे इनकार करना चाहिए, उससे रोकना चाहिए उनको. तो क्या ये हमारे पास उनको रोकने से, ये जो हमारे पास फ्लू है, फ्लू का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. क्यों बढ़ा है? क्योंकि हमारे पास जो एयर ट्रेवल है कमर्शियल एयर ट्रेवल, इसकी वजह से हमारे पास जो इन्फ्लुएंसा है उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. क्या ये हमारे पास से कम होगा कि जो बच्चे हैं या जो हमारे पास बड़े हैं जिनको ख़तरा है, ख़ास करके बहुत ज़्यादा ख़तरा है फ्लू का, तो उनको ट्रैवल ना करने दिया जाए एयर से, तो क्या उससे ये फ्लू का मसला कम हो जाएगा? तो इससे फ्लू का मसला कैसे कम होगा? उनको अगर ट्रैवल करने से रोकेंगे जिनको ज़्यादा ख़तरा है इससे फ्लू से, तो उससे हमारे पास वो बच जाएंगे, बट उससे ये हमारे पास जो इन्फ्लुएंजा का वायरस है उसका जो स्प्रेड हो रहा है वो कम नहीं होगा. तो उसका मतलब इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, ये कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट नहीं है. उसके बाद कह रहा है रिक्वायरिंग ऑल एयर ट्रेवलर टू वॉश देयर हैंड्स बिफोर बाउंडिंग ए प्लेन. कह रहा है कि प्लेन में चढ़ने से पहले जो भी हमारे पास एयर ट्रेवलर्स हैं, मतलब कि जो एयर के थ्रू ट्रेवल कर रहे हैं जो पैसेंजर्स हैं, उनको अपने हैंड हैं उनको वॉश करना चाहिए. तो क्या हैंड वॉश करने से ये जो इन्फ्लुएंजा का स्प्रेड हो रहा है ये कम होगा? तो देखिए, हैंड वॉश करने से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इन्फ्लुएंजा का. ये मसला इसका स्प्रेड तो कम नहीं होगा ना. ये जो फ्लू है ये तो रेस्पिरेटरी मेथड से फैलता है, कफिंग से, स्नीजिंग से, इसका हाथ धोने से ताल्लुक ही नहीं है, तो इससे भी मसला हल नहीं होगा. मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन भी अप्रोप्रिएट नहीं है. फिर कह रहा है रिक्वायरिंग एयर ट्रेवलर्स टू रिसीव फ्लू वैक्सीनेशन फार इनफ इन एडवांस टू द ट्रिप टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिजीज़. कह रहा है कि जितने भी एयर ट्रेवलर्स हैं उनको वैक्सीनेशन उनकी करवानी चाहिए बहुत ज़्यादा पहले से ही, एडवांस में ही, जब उनकी ट्रिप हो, ताकि वो इस डिज़ीज़ से उनको प्रोटेक्शन मिले. तो ये चीज़ करने से ये मसला हल हो सकता है कि इतना ज़्यादा जो स्प्रेड हो रहा है ना इन्फ्लुएंजा का, तो उसको कम किया जा सकता है. जब वैक्सीनेशन होंगी, लोग जा रहे हैं ट्रिप पर, उससे पहले ही उनको वैक्सीनेशन लगा दी जाए, तो उसका मतलब कि वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, अब ये ज़्यादा बीमारी नहीं फैलेगी, अब ज़्यादा लोगों को नहीं लगेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी उससे प्रिवेंटेड है. अब उनको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा उन पे, उसका मतलब कि वो वैक्सीनेटेड है, वो प्रोटेक्ट हो जाएंगे पहले से ही. तो उसका मतलब कि ये जो स्प्रेड हो रहा है वो कम हो जाएगा जब वैक्सीनेशन दी जाएगी लोगों को उनकी ट्रिप से पहले ही. तो ये बिल्कुल कोर्स ऑफ एक्शन सही है, इससे ये मसला हल हो जाएगा. इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, नुकसान हो रहा है इससे, वो कम हो जाएगा. तो उसका मतलब ये कोर्स ऑफ एक्शन अप्रोप्रिएट है. उसके बाद दूसरा लिखा हुआ है इंस्टॉलिंग एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम्स इन द प्लेन टू किल एनी फ्लू वायरस पार्टिकल्स फ्लोइंग थ्रू द फिल्टर्स. कह रहा है कि जो एयर फिल्टर्स हैं वो सिस्टम लगाया जाए ताकि उन फिल्टर से जैसे ही कोई वायरस पास करे वो किल हो जाए. तो ये करने से तो ओवरऑल जो स्प्रेड हो रहा है वो थोड़ी कम होगा, क्योंकि वो जो लोग अंदर बैठे हैं एक भी इन्फेक्टेड है वो दूसरों को इन्फेक्ट करेगा, स्प्रेड तो होना ही होना है. तो उसका मतलब कि यही हमारे पास गलत है कोर्स ऑफ एक्शन, इससे कोई हल नहीं होगा. फिर कंडक्टिंग मेडिकल एग्जामिनेशन ड्यूरिंग बाउंडिंग प्रोसेस एंड प्रोहिबिटेड पैसेंजर विद फ्लू सिम्टम्स फ्रॉम फ्लाइंग. तो कह रहा है कि मेडिकल एग्जामिनेशन की जाए जो बाउंडिंग प्रोसेस होता है उसके दौरान, और जो पैसेंजर्स जिनको फ्लू सिम्टम्स हैं उनको फ्लाई करने से रोक दिया जाए. तो देखिए, फ्लाई करने से हम रोकेंगे पेशेंट्स को जो इनका फ्लू सिम्टम्स आ रहे हैं,
तो मेडिकल एग्जामिनेशन करके, तो क्या उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई पर्सन ऐसा है उसको सिम्टम उसी टाइम पे आ रहे हैं, वायरस तो लगा हुआ है पर उसी टाइम पे अगर आ रहा है सिम्टम, ये ऊपर चीज़ बताइए कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि ट्रैवल करते हैं उससे पहले सही होते हैं पर प्लेन के अंदर ही उन्हें सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, तो वो तब वायरस दे सकते हैं, मतलब कि इन्फेक्टेड तो हैं वो तब स्प्रेड कर देंगे प्लेन के अंदर ही। तो भले उनको हमने एग्जामिनेशन के दौरान कोई सिम्टम नहीं आया, उनको सही करके डिक्लेयर करके भेज दिया प्लेन में, बट फिर भी स्प्रेड तो होगा वायरस, तो उसका मतलब ये भी सही कोर्स ऑफ एक्शन नहीं है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन सी। तो जिससे मसला भी वो हल हो रहा है और उसके अलावा वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है ये करना, वैक्सीनेशन देना, और इससे कोई नुकसान भी नहीं है, तो सारी क्राइटेरियाज पे कोर्स ऑफ एक्शन होता रहा, मतलब सही है। तो ये सिंध एमडीकेट का लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन था जिसको हमने सॉल्व किया। तो वन बाय वन हमने यूएसएस एमडीकेट, ईटीए एमडीकेट और ये जो हम सिंध एमडीकेट है इसके लॉजिकल रीजनिंग पोर्शंस को ट्रिक्स के साथ सॉल्व किया। तो ये हमारा आज का वीडियो था। थैंक यू वेरी मच।